तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूं, ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है अनलॉक टूल। आज जो हम वीडियो के माध्यम से जो सीखने वाले हैं वो अनलॉक टूल के बारे में सीखने वाले हैं कि अनलॉक टूल के माध्यम से जो भी मोबाइल फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उनको हम लोग कैसे चेक करते हैं या उनके माध्यम से आने वाली समस्याओं को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूं। जहां पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं अनलॉक टूल के माध्यम से कि अनलॉक टूल के माध्यम से जो भी हमारे मोबाइल फोन आ जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रॉब्लम आती है उनको कैसे ठीक किया जाएगा। तो दोस्तों, इस टूल के बारे में मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट वीक हैं, जो अपने मोबाइल फोन में दुकान में सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर का काम करते समय उनको प्रॉब्लम ये आती है कि वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को ठीक नहीं कर पाते और काफी सारी परेशानी को उनको फेस करना पड़ता है। तो ये मैं उनके लिए टूल लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर, मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से काफी चीज सीखने को मिला है लेकिन मुझे अनलॉक टूल के बारे में जानकारी चाहिए और अनलॉक टूल के बारे में अगर आप मेरी मदद कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा सर। तो अगर आप हम लोगों के लिए वीडियो दे रहे हैं तो अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर काफी वीडियो हमको दे रहे हैं तो हमको इसको बहाने से सीखने को मिल जाएगा और हम अपनी शॉप पे काम अच्छा कर पाएंगे। और फिर अगर हमको लगता है कि और भी एडवांस लेवल की हमको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है या सॉफ्टवेयर में और भी पूरा कंप्लीट सीखने की जरूरत है क्योंकि अनलॉक टूल से सारा काम तो नहीं हो पाता फिलहाल, लेकिन काफी हद तक काम हो जाता है। और तो हम उन्हीं स्टूडेंट के लिए अनलॉक टूल के बारे में वीडियो लेकर के आए हैं कि वो अनलॉक टूल के माध्यम से काफी चीजों को सीखें। और ये जो मैं वीडियो देने वाला हूँ, अनलॉक टूल का पूरा फुल डिटेल में वीडियो देने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो पूरे YouTube के अंदर सजी आपको इतने पार्ट में वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है जितना मैं आज आपको इसके बारे में वीडियो देने वाला हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपका दोस्तों मन ऐसा करेगा कि यार काश मैं भी अनलॉक टूल ले लूँ और इसके माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में आने वाली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को ठीक करना सीख सकूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये अनलॉक टूल हमारा काम कैसे करता है। ये अनलॉक टूल रहता है, इसके माध्यम से मोबाइल फोन में बेसिकली जो ये फेमस है ये लॉक तोड़ने के लिए, लॉक को ब्रेक करने के लिए। भाई हमारे पास जो मोबाइल फोन में जो प्रॉब्लम आती है वो दो तरीके की समस्याएं आती हैं। या तो हमारे पास कस्टमर जो आता है वो अनलॉकिंग कराने के लिए आता है। अनलॉकिंग का मतलब होता है कोई भी लॉक लग जाता है, जैसे पासवर्ड है, पैटर्न है, FRP है, अगर इनमें से कोई भी ऐसा लॉक लग जाता है या उसमें कोई अकाउंट लॉक लग जाता है, अगर इस तरीके का अगर कोई भी लॉक लग जाता है तो लोग हमारे पास लॉक खुलवाने के लिए हमारे पास आते हैं या तो हमारे पास मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कराने के लिए आते हैं। फ्लैशिंग कराने का मतलब फोन हैंग लोगों रिस्टार्ट पे खड़ा हो जाता है तो उसको ठीक कराने के लिए आते हैं। अगर मार्केट में देखा जाए तो मोस्टली तौर पर जो 70% जो प्रॉब्लम आती है वो मोबाइल फोन में अनलॉकिंग के लिए आते हैं। मतलब अगर 10 मोबाइल फोन तुम्हारे पास ठीक होने के लिए आएंगे तो वो मोबाइल फोन में कस्टमर लॉक खुलवाने के लिए आएगा। वो बोलेगा भाई मेरे फोन में पासवर्ड लगा के भूल गया है या मैं पैटर्न लॉक लगा के भूल गया हूँ या मोबाइल फोन मैंने गलती से रीसेट हो गया और उसमें FRP लॉक लग गया, जीमेल अकाउंट लॉक मांग रहा है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सारी समस्याओं को हम लोग इसके माध्यम से सीखने वाले हैं कि आज मैं आपको मोबाइल फोन के अंदर पासवर्ड तोड़ना, पैटर्न तोड़ना, FRP हटाना, अकाउंट लॉक को हटाना, इन सब चीजों के बारे में इतना अच्छा वीडियो देने वाला हूँ कि अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहली बात मैं अनलॉक टूल के बारे में समझाता हूँ कि अनलॉक टूल क्या है, इसको आप लोग यूज कैसे करेंगे या इसमें आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो हम लोग इन सब चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि अनलॉक टूल को यूज कैसे करेंगे, इस टूल का यूज कैसे किया जाएगा और आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में बताता हूं। चलिए, तो ये अनलॉक टूल जो होता है ये 3 महीने, 6 मंथ, 12 मंथ, मतलब 3 महीने का भी मिल जाता है, 6 महीने का भी मिल जाता है और 1 साल का भी मिल जाता है। अगर आप 3 महीने का लेते हैं
तो ये समथिंग 1600 रुपए से लेकर के 1700 रुपए तक का मिलता है। अगर आप 6 महीने का लेते हैं तो 6 महीने का 2400 रुपए से लेकर के 2700 रुपए तक का मिलता है। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 3900 रुपए से लेकर के 4100 रुपए तक का मिलता है। अच्छा सर, देखो मैंने इसमें प्राइस फिक्स क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है हर समय समय पर अप एंड डाउन होता रहता है। अप एंड डाउन का मतलब समझ रहे हैं, कम ज्यादा। उस प्राइस में क्या होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। पैसा उसका कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। तो कम ज्यादा जब हो जाएगा तो आपको कम ज्यादा तो भाई आप ही को पे करना है, कोई ज्यादा दूसरा तो कोई देने वाला नहीं। अगर आप लेंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या रहता है, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का है। तो बहुत अच्छी चीज है, इसके माध्यम से आप काफी मोबाइल फोन को आसानी के साथ में आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये आप इसमें से किसी भी प्राइस में से आप परचेस कर सकते हैं। जब आप इसको परचेस करेंगे तो इसको यूज कैसे करेंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करने के लिए आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। अब बात करें अनलॉक टूल को यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। पहली बात, जब आप गूगल पे चले जाएंगे तो गूगल में सर्च करेंगे अनलॉक टूल डॉट नेट। ये आप गूगल में एक वेबसाइट को सर्च करेंगे। जैसे ही वेबसाइट को सर्च करेंगे तो वेबसाइट को सर्च करने के बाद, जब आप वेबसाइट को सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपकी वेबसाइट अनलॉक टूल ओपन हो जाएगा। मतलब आपके स्क्रीन में एक वेबसाइट खुलेगी और इस वेबसाइट के माध्यम से आप टूल को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। कैसे टूल को डाउनलोड करेंगे तो चलिए मैं आपको उसका तरीका आपको बताता हूँ और फिर इसको यूज करके मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने गूगल बाबा को, हम लोगों को गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद गूगल में यहाँ पर टाइप करेंगे ऐसे, अनलॉक टूल डॉट नेट। जैसे अनलॉक टूल डॉट नेट खोलेंगे तो आपका खुल जाएगा। उसको खोलने के बाद देखिए आपकी ऐसे इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट ओपन करते ही आपके स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाएगा ऐसा। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये जो हमारी साइट होती है इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करती है। बिफोर प्रोसेसिंग मतलब हमारा ओपन हो रहा है। देखिए ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। जब आप वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी तो ओपन होने के बाद इस वेबसाइट में सारी चीजों के बारे में आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, इसमें से नोट अकाउंट लॉगिन 12 आवर, अकाउंट जो लॉगिन होगा कितने के लिए, 12 घंटे के लिए। लेटेस्ट चेंज पीसी मतलब 12 घंटे बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पीसी चेंज कर सकते हो। अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब आप चेंज कर देते हो कि ये जो टूल होता है ये पहली बात तो आईडी पासवर्ड पे चलता है, तो आईडी पासवर्ड चलने की वजह से मतलब एक कंप्यूटर पे चला रहे हो आपने, यही दूसरे कंप्यूटर पर लॉग इन कर दिया, तीसरे पर लॉग इन कर दिया, तो फिर वहां पर ये समस्या आ जाती है कि दूसरे टूल में खुलना बंद हो जाता है। ये खुल गया, उसके बाद क्या, ये इस तरीके से आपकी स्क्रीन में ऐसा सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाता है। ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी स्क्रीन में ऐसा खुल करके आ जाता है और इसमें से आप देखेंगे क्वालिकॉम है, एमआई है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, सैमसंग है, हवाई है, ओप्पो, वीवो, बहुत सारे टेक्नो, आसुस, स्पेक्ट्रम, एप्पल, एंड्रॉयड, मीडिया टेक, क्वालिकॉम, लिनोवो, नोकिया, सभी चीजों के बारे में आप इसको जो मोबाइल फोन आते हैं इन मोबाइल फोन के लॉक को इसके माध्यम से आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। अब आप इस टूल में आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे
तो ऊपर देखेंगे सबसे पहली पहला जो ऑप्शन आता है ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है। इस वेबसाइट में जो पहला ये फीचर खुल करके आता है ये तुम्हारा डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोडिंग करेंगे। उसके बाद ये सपोर्टेड मॉडल, इसमें कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड है इसके बारे में बताता है। यहाँ पर हमारी जो फर्मवेयर है, जो फ्लैश फाइल है वो हमारी बता देता है। यहाँ पर एक्टिव लाइसेंस के बारे में बताता है। दूसरी बात है यहाँ पर रिसेलर के बारे में बताता है। रिसेलर का मतलब होता है कि इसमें से जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन अलग अलग लोगों के नंबर खुल करके आते हैं। अब तीन अलग अलग नंबर क्या खुल करके आते हैं, एक नंबर खुल के आता है कि ये भाई 3 महीने वाला एक्टिवेशन देगा, दूसरा आदमी 6 महीने वाला एक्टिवेशन देगा, तीसरा आदमी 1 ईयर का भी एक्टिवेशन देगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चाहो तो इनको फोन करके, इनको मैसेज करके, इनके माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो फ्रॉड भी होते हैं। फ्रॉड का मतलब ये रहता है कि वो अपने पास पैसा ले लेते हैं और पैसा लेने के बाद आपका एक्टिवेशन नहीं होता, या कुछ दिन चलने के बाद आईडी पासवर्ड बदल भी जाता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उस कंडीशन पर वो तो इसके वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर गलत नंबर मिल गया, गलत लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आप उसी पर्सन से परचेस करें जिसकी आपकी पहचान हो, या जो आपको सपोर्ट करे, या जो आपके लोकल में हो, जिससे आपको कभी कोई परेशानी ना आए और आप उसको हमेशा के लिए यूज कर पाओ। तो 3 महीने का है, 6 महीने का है, आप ऐसे परचेस कर सकते हैं। फर्मवेयर है, वीडियोस हेल्प है, इसकी हेल्पिंग वीडियो भी पड़ी होती है इसमें, कि कोई नई चीज आ जाती है या किसी फोन के बारे में आ गया तो उसका क्लिक करने का, चलाने का, यूज करने का जो एरर्स है उसके बारे में तरीके भी इसमें दिए होते हैं। अच्छा, जो नया आदमी यूजर लॉगिन करना चाहता है तो यहाँ से लॉगिन भी कर सकता है, और नया आदमी अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। सबसे पहली जब आप परचेस करोगे तो आप जीमेल आईडी के माध्यम से यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आप लॉगिन कर पाओगे, बिना रजिस्ट्रेशन करे आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे, और क्योंकि रजिस्टर जब आप करेंगे तो इसी रजिस्ट्रेशन पर ही रिचार्ज होता है। जो आप पैसा देते हैं तो ये आपको आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, उसी आईडी पासवर्ड पे आपका रिचार्ज होता है, उसी पे आपका पैसा लगता है। वही आपको ये वैलिड करता है कि ये आईडी 3 महीने के लिए चलेगी, कि 6 महीने के लिए चलेगी, कि 1 साल के लिए चलेगी। अब चलिए मैं इसको यूज करके बताता हूं। जैसे आप पहले डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जब आप, मैं पूरी वेबसाइट के बारे में अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट करें, ताकि मैं इसे कई सारे पार्ट में वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि एक पार्ट में पूरी जानकारी नहीं दे सकता। तो इसलिए प्लीज आप वीडियो में रहें और वीडियो को अच्छे से समझें। सबसे पहली बात क्या, यहाँ पर आप जब देखेंगे अनलॉक टूल में आपको वर्जन लिख करके आता है, तो यहाँ पर वर्जन में लिखा 30/7/2023। 30/7/2023 का मतलब होता है इसमें जो नया वर्जन आया है 30/7/2023 को आया है। इसमें ऐसा रहता है कि ये समय समय पर अपडेट लाता रहता है। मान लिया आप 30/7/2023 का यूज कर रहे हैं, आज की तारीख है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अपनी 3/3 तारीख है। तो 3 तारीख को अगर मैंने, कल को अगर 5 तारीख को नया अपडेट आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक जो पुराना वाला है ये सर आपका काम करना बंद कर देगा, फिर आपको नया लेना पड़ेगा। जब आप नया परचेस करेंगे तभी आपको चलेगा। तो 30/7/2023 ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या क्या फीचर एड ऑन, क्या क्या चीजें एड हो गई हैं। फैक्ट्री रीसेट, इरेज, ओप्पो, रियलमी, रियलमी 7 Pro, 8 Pro, ये जो जो नए नए फीचर इसमें ऐड हो गए वो दिखा देता है। यहाँ पर डाउनलोड अनलॉक टूल, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के लिए डाउनलोड का लिंक खोल देगा। जैसे आप ऐसे क्लिक किया तो क्लिक करने के लिए ऐसा खोल देगा और डाउनलोड का लिंक खोल देगा। जैसे आप डाउनलोड पर आ जाएंगे तो बता देगा भाई ये कितने MB का है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे डाउनलोड पर तो भाई 153 MB का है और तुम्हारी डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। जैसे डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी तो आप इसको डाउनलोड करना यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने डाउनलोड के बारे में समझा। अब उसके बाद मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसके रिसेलर के बारे में बताता हूँ, कि जब आप रिसेलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसेलर अनलॉक टूल, रिसेलर कौन से बेचने वाले हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो मुकेश राज करके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड वाइड है, ये इनके माध्यम से ये मिल जाएगा। और ये लोग अगर आप 3 महीने 6 महीने का अगर इनसे पूरा भी लेना चाहते हो तो भी ये दे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती, कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये है इनका मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ये देखिए। ये और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको सेल करने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप टूल परचेस कर सकते हो। ये सारे लोग जो अनलॉक टूल है, जो अनलॉक टूल को रिसेल करते हैं, आपको सेल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्टर का ऑप्शन आता है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होता है। साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम डालना होता है, आपका नाम, जो भी नाम से बनाना चाहते हो। उसके बाद ईमेल आईडी,
आपको जो ईमेल आईडी डालनी होती है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे ही आपका एक्टिवेशन होने वाला है। दूसरी बात, आपको पासवर्ड बनाना होता है, 8 करेक्टर का पासवर्ड बनाना होता है, जो पासवर्ड को आप हमेशा के लिए रखने वाले हो। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करना होता है, मतलब उसको दोबारा करना होता है, और उसके बाद क्रिएट अकाउंट करना होता है। मतलब कुल मिला करके यहाँ पर आप क्या क्या चीजें डालेंगे, यहाँ पर यूजर नेम, यूजर नेम का मतलब होता है जैसे आपने मान लिया टीटेक नाम का यूजर बना लिया, और जो आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपने टाइप कर दिया। उसके बाद आपने जो इसमें पासवर्ड है वो आपने पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड बनाने के बाद फिर पासवर्ड को आपने ईटेक नाम का पासवर्ड है उसको आपने कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद आप नीचे ओके का ऑप्शन आता, ओके कर देंगे और आपका क्रिएट अकाउंट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रिएट अकाउंट बन जाएगा। तो क्रिएट अकाउंट बनते ही आपकी जो आईडी बनेगी उसी आईडी पे ही एक्टिवेशन होगा, वही एक्टिवेशन 3 महीने 6 महीने 1 साल जो आप यूज करने वाले हैं वही एक्टिवेशन होगा। उसके बाद फर्मवेयर में, जब फर्मवेयर में आप क्या करेंगे, जब आपका यूजर नेम पासवर्ड, जैसे यूजर नेम पासवर्ड करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड ही आप लॉगिन हो जाएंगे। आप यूजर नेम पासवर्ड डालते ही आप क्या कर जाएंगे, लॉगिन कर जाएंगे। जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो लॉगिन करते ही आप समझ लीजिए आपके मोबाइल फोन में जो अप्लीकेशन आती है, मतलब जैसे फ्लैश फाइल है या जो भी सारी चीजें हैं जिसको आप सैमसंग की, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी की जो भी फाइलें होती हैं वो फाइलें भी मिल जाती हैं, उनको भी आप चाहें तो डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि कैसे इंटरनेट के माध्यम से हम लोग दोस्तों अनलॉक टूल को डाउनलोड करते हैं, और अनलॉक टूल डाउनलोड करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसके आगे का पार्ट जो है वो मैं आपको दोस्तों आगे की वीडियो में दूंगा। आज मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अनलॉक टूल जो वेबसाइट हमारी खुलती है, इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें खुलती है, उनको कैसे यूज करेंगे, इसके माध्यम से मैंने आपको तरीका बताया है, और इसको डाउनलोड करके यूज कैसे किया जाएगा उसका तरीका मैं दोस्तों मैं आपको आगे के पार्ट में वीडियो दूंगा। इस पार्ट को आपने अच्छा से देखा, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको मदद मिलेगी। जितने नए लोग हैं अगर वीडियो को देखेंगे तो 100% तरीके से कहता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और दोस्तों अगर इस तरीके से अगर आप पूरी कई एडवांस लेवल तक की और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर आप बिल्कुल 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हो, जिसमें पूरा मोबाइल फोन का पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, बोर्नियो सिमेटिक है, या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर के सारे डोंगल हैं, सारे सॉफ्टवेयर टूल हैं, इमरजेंसी प्रोग्रामिंग है, UEFI वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको रिपेयर करना, आपको इसके माध्यम से रिपेयरिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर जो क्लास का सिस्टम होता है पूरा फुल डे क्लास का सिस्टम होता है, आप चाहो तो पूरा दिन क्लास कर सकते हो, और 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलते हैं। जब फुल डे ट्रेनिंग लेंगे तो आप जाहिर सी बात है आप जल्दी सीख जाएंगे। मैं दोस्तों बहुत ऐसे स्टूडेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ जो लोग चाहते हैं कि मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहता हूँ, हमको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद एक छोटा सा विश्वास होता है कि वो कहते हैं कि सर मैं वहाँ पर सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए इतना सारा वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उन वीडियो को वॉच करें, वॉच करने के बाद फिर आप देखें कि सर आप सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको लगता है सीखना चाहिए तो बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं, आएंगे, हम आपको अच्छा सिखा करके भेजेंगे, और अगर आपका नहीं मन करता तो आप जहाँ चाहे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन इतना बात चैलेंज के साथ में कहते हैं कि यहाँ पर सीखने के आपके 5 फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है मेन मार्केट में है, यहाँ पर बहुत सारा मोबाइल फोन बनने के लिए आता है, तो बच्चे सुबह शाम तक मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करते हैं। दूसरी बात क्या रहता है कि यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग मिलता है, पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर, दोनों माध्यम से ट्रेनिंग मिलता है। तीसरी चीज है कि यहाँ पर जब आप सीख जाते हैं तो सीखने के बाद चालू मोबाइल फोन में काम करने का आपको मौका मिलता है। चौथी चीज है, आपको एक एक चीज के बारे में पूरा डिटेल से समझाया जाता है। हम कोर्स को 3 मोड में बच्चों को सिखाते हैं, हमारे पास जो भी बच्चे जो सीखने वाले आते हैं तो उनको 3 तरीके सिखाते हैं। 3 तरीके से सीखने का मतलब क्या होता है, हम लोग सबसे पहली चीज होती है अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उस स्टूडेंट को क्या करते हैं, 25 से लेकर 30 दिन तक की तो हम ट्रेनिंग देते हैं। जब 25 से 30 दिन की ट्रेनिंग देते हैं हमारा बच्चा सीख जाता है, उसमें रिपेयरिंग भी करता है, काम भी करता है, सीखता भी है, मोबाइल फोन को बनाता भी है, प्रैक्टिकल भी करता है, काम वो निकालता लगाता है, ICU निकालता लगाता है, सॉफ्टवेयर में मोबाइल फोन को लॉक भी खोलता है, ये सारा सब कुछ 25 से 30 दिन में सीख जाता है। 25 से 30 दिन सीखने के बाद फिर जो 30 से लेकर के जो 35
मतलब 5 दिन आप ऐसा कह सकते हैं राउंड फिगर में, जैसे 30 दिन आपका ये क्लास चला, 5 दिन आपका चलता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, हमारे बच्चे लोग खुद अपने मन से पढ़ते हैं, जो चीज सिखाया गया है उसको अपने मन से पढ़ते हैं, मोबाइल फोन उनको दिए जाते हैं वो मोबाइल फोन रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद फिर उनके अंदर निकलती है कमी, क्योंकि नए बच्चे होते हैं, आपको कुछ आता तो है नहीं, आप बिल्कुल मेरे पास निचट जीरो आए, बिल्कुल जीरो सुन, आपको कुछ नहीं आता, आपने आयरन नहीं पकड़ा, पहले तो हम आपको सिखाएं, पहली चीज जो हम आपको सिखा देंगे तो 5 दिन सेल्फ स्टडी करेंगे, आप खुद काम करके देखें कि भाई जो मैंने सीखा है हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मैंने मान लिया आपके अंदर कमी है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं जिंदगी में जो पूरा हो, काम करने के बाद भी अधूरा बना रहता है, तो कमी उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो जब कुछ ना कुछ कमी है तो उस कमी का मतलब क्या होता है कि जब आप बच्चा 35 दिन हो जाता तो 10 दिन जो कमी होती है, जैसे वो लॉक नहीं खोल पाता, वो मोबाइल फोन में कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पाता, उसको कंप्यूटर चलाने में कोई कमी होती है, वो मोबाइल फोन में ग्लास चेंज करने में कमी रह जाती है, उसे सही से आईसी नहीं लगती, उससे रिबॉलिंग में कमी रह जाती है, जिस चीज में कमी रह जाती उस कमी को फिर हम लोग दोबारा सिखाते हैं, जब दोबारा सिखाते हैं तब वो अच्छी तरीके से पूरा होता है, तब वो कंप्लीट होता है, जब वो कंप्लीट होता है फिर अपना आराम से वो 45 दिन की 45 डेज की ट्रेनिंग लेकर के फिर वो अपने घर जाता है और अच्छी तरीके से काम करता है, उसके बाद भी अगर उसको भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ट्रेनिंग सेंटर को आ सकता है, उस चीज को आकर के उस चीज के बारे में दोबारा सीख सकता है, उसका कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं देना होता, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट को देते हैं लाइफ टाइम सपोर्ट, कभी कोई प्रॉब्लम आए कोई दिक्कत आए तो हमेशा से आ सकता है और अच्छी तरीके से सीख के जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने के बाद एक पॉजिटिव कमेंट करें कि सर मुझे ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और जो बातें हम एक एक करके सिखा रहे हैं कॉपी पेन नोट डायरी ले लो, एक एक करके उनको नोट करो, उनको समझो, फिर जब आप 7 दिन 10 दिन क्लास कर लोगे तब आपके बुद्धि में घुसेगा कि सर जी जो सिखाया है उनको कुछ आया कि नहीं आया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।